देश की रक्षा तैयारियों को बड़ा झटका लगा है। नौसेना की स्कॉर्पियन पनडुब्बी का टॉप सीक्रेट लीक हो गया है। स्कॉर्पियन पनडुब्बी की तकनीकी और युद्धक क्षमता से जुड़े दस्तावेज के 22,400 पन्ने लीक हुए हैं। फ्रांस की कंपनी DCNS इन पनडुब्बियों को तैयार कर रही थी। कहा जा रहा है कि वहीं से हैकिंग के जरिए जानकारी लीक हुई है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस मामले में नेवी चीफ से रिपोर्ट मांगी है। मैंने चीफ ऑफ नेवी उनको बोला है कि वो पूरा विश्लेषण करें, उसका क्या लीक हुआ है, हमारे बारे में उसमें क्या है। इट इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट इज इमीडिएटली ऑर्डर हाई लेवल इंक्वायरी एंड फाइंड आउट द ट्रूथ। दिस इज अ सेटबैक फॉर इंडियाज सबमरीन बिल्डिंग प्रोग्राम, पर्टिकुलरली द स्कॉर्पियन, and I think the government of India would have to carry out a very detailed review. ऑस्ट्रेलिया के अखबार द ऑस्ट्रेलियन ने स्कॉर्पियन लीक का खुलासा किया। द ऑस्ट्रेलियन के मुताबिक पनडुब्बी की जानकारी 2011 में लीक हुई थी। फ्रांस की कंपनी DCNS ने भारत के लिए 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का डिजाइन तैयार किया है। फ्रांस की कंपनी DCNS ऑस्ट्रेलिया के लिए भी पनडुब्बी का डिजाइन तैयार कर रही है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के लिए पनडुब्बी का जो मॉडल तैयार किया जा रहा है वो भारत से अलग है। स्कॉर्पियन सौदा 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर का है। शुरुआत में 6 पनडुब्बियां बननी है, जिनमें से पहली INS कलवरी इस समय मुंबई में लगभग तैयार हो चुकी है। स्कूल के भारी बैग से तंग आकर महाराष्ट्र के 2 छात्रों ने अपना दर्द बयां किया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के रहने वाले 7वीं के छात्र ऋग्वेद किशोर और पारितोष सुनील भांडेकर के मुताबिक रोज उन्हें 19 कॉपी किताब स्कूल ले जानी पड़ती है। ऐसा ना करने पर टीचर्स पिटाई करते हैं। इसके अलावा बैग में कंपास बॉक्स, टिफिन और पानी की बोतल भी होती है। इससे बैग का वजन बढ़ जाता है और इतने वजन से पीठ भी अकड़ जाती है। हमारे बैग का वजन बहुत ज्यादा हो गया है, मैं सहन नहीं कर सकता। वजनी बस्ता लेकर मुझे दूसरी मंजिल तक जाना होता है, हालत खराब हो जाती है। स्कूल छूटने के बाद 15 मिनट तक खड़ा रहना पड़ता है। कई सर्वे भी सामने आए हैं कि भारी बस्तों की वजह से बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। एसोचैम के सर्वे के मुताबिक बस्ते के बोझ से बच्चों को पीठ दर्द जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर्वे के मुताबिक बच्चे अपने वजन का 35% बोझ बैग के रूप में रोज पीठ पर ढोते हैं। भारी बस्ते की वजह से हड्डियों और शरीर के विकास पर बुरा असर पड़ता है। 2015 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो बच्चों के बैग का बोझ कम करें। तय मानक के मुताबिक बैग का वजन छात्र के शरीर के वजन का 10% होना चाहिए। दोनों ही छात्र ऋग्वेद किशोर और पारितोष ने चेतावनी दी है कि अगर बस्ते का बोझ कम नहीं किया गया तो वो स्कूल गेट के बाहर भूख हड़ताल करेंगे। दिल्ली में स्कूल वैन से कुचलकर एक बच्चे की मौत के बाद जी न्यूज ने देश भर में रियलिटी चेक किया। कल दिल्ली के सिविल लाइन्स में हुए हादसे में 4 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद जी न्यूज ने स्कूल बस और स्कूल वैन में बच्चों की सुरक्षा का जायजा लिया। कई जगह खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 80 की स्पीड पे अभी गाड़ी चला रहे थे, तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। वो बच्चे लेट हो रहे थे ना, इसमारे लेट की वजह से लापरवाही बरती जा सकती है कि अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो आप क्या करेंगे? सर उसमें तो होने ही देते ना, कभी आज से थोड़ी चला रहे इस लाइन में, 8 साल से इस लाइन में। मुंबई, पटना, अहमदाबाद में भी अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। मुंबई में स्कूल बस में ना CCTV थे, ना GPS सिस्टम और ना ही फायर सेफ्टी सिस्टम। पटना में स्कूल वैन और ऑटो में क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठाया गया था। अहमदाबाद में स्कूल बस काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट के मानकों के मुताबिक चलती दिखी। नियमों के मुताबिक बस या वैन के आगे पीछे स्कूल का नाम और फोन नंबर लिखा होना चाहिए। बस या वैन पीले रंग की होनी चाहिए, बीच में नीले रंग की पट्टी पर स्कूल का नाम होना चाहिए। बस या वैन के ड्राइवर को कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। बस को स्पीड गवर्नर ARI से अप्रूव होना चाहिए। स्पीड 40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बस में फर्स्ट एड बॉक्स और आग बुझाने के पूरे इंतजाम भी होने जरूरी है। नियम के मुताबिक बस में ड्राइवर और बच्चों के साथ एक स्कूल के स्टाफ का होना भी जरूरी है। दिल्ली से सटे नोएडा के एक प्राइवेट स्कूल में 1-8 साल की बच्ची टीचर के टॉर्चर का शिकार हुई। 8 साल की इस बच्ची को मामूली बात पर बेरहम टीचर ने छड़ी से पीटा।
पिटाई के दौरान छड़ी बच्ची की आंख के पास जा लगी और उसे गंभीर चोट आई। नाराज होकर जब बच्ची के माता पिता थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे तो पुलिस ने मामूली घटना बताकर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। सिटी मजिस्ट्रेट से गुहार लगाने के बाद टीचर और स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे नंबर कम आए थे तो मार रही थी तो हमने हाथ उठा लिया तो फिर मैम ने ना ये मारा तो आँख में लग गई। किस चीज़ से मार रही थी? वो मोटी स्टिक से। अस्पताल लेके गए, उन्होंने कहा कि भाई ये पुलिस कार्रवाई है तो आप पहले FIR लेके आओ। मैंने कहा जी, उन्होंने तुम यहाँ भेज दिया आपके पास और कुछ पुलिस वाला आने को राजी नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा आप DM साहब के यहाँ जाइए। प्रार्थना पत्र पर हमने थाना अध्यक्ष थाना सेक्टर 39 को निर्देशित किया है कि मामले में वो गहराई से जांच करें और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। पीड़ित छात्रा नोएडा के सेक्टर 107 में SVN पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। टीचर ने बच्ची की पिटाई इसलिए की थी क्योंकि टेस्ट में उसके नंबर कम आए थे। पीड़ित बच्ची के मुताबिक आरोपी टीचर अक्सर क्लास में बात बात पर बच्चों को पीटती है। बच्ची के माता पिता के मुताबिक पिटाई में बच्ची की आंख की रोशनी तक जा सकती थी। और इस मामले पर स्कूल मैनेजमेंट ने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए मुंबई से अच्छी खबर है। नवी मुंबई की थोक मंडी में अरहर दाल के भाव गिरकर 100 रुपए से नीचे हो गए। नवी मुंबई की थोक मंडी में अरहर दाल 80 से 90 रुपए प्रति किलो मिल रही है। विदेश से दाल आयात होने और दाल का स्टॉक मंडी में पहुंचने से दाम कम हुए हैं। अक्टूबर नवंबर में 190-195 तक गए थे, उसके बाद से दाल के भाव कम ही होते आ रहे हैं और अब तो 80 से 85 तक इम्पोर्टेड मिल रही है, 90 में देसी माल भी मिल रहा है। खुदरा बाजार में भी दाल 20 से 25 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई है। जो रिटेल मार्केट में मुंबई में बिक रही है वो कितनी है? अभी मुंबई में 108 रुपए है, यहाँ तक हम लोग 120 में दे देते हैं। ये दालों के रेट में काफी कमी आई है, उसकी वजह कुछ पता? 25 रुपए तक कमी आई है। एक साल पहले नवी मुंबई की थोक मंडी में दाल 190 रुपए प्रति किलो बिक रही थी। पिछले साल दाल की फसल खराब होने की वजह से कीमत में काफी बढ़ोतरी हुई थी। अक्टूबर तक दाल की नई फसल मंडियों में पहुंचेगी, जिसके बाद कीमत और गिर सकती है। मॉनसून की अच्छी बारिश होने की वजह से इस साल दाल का उत्पादन 30% ज्यादा होने की उम्मीद है। नवी मुंबई के बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी दाल की कीमतों में कमी आने की उम्मीद करनी चाहिए। शारदा घोटाले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम से पूछताछ होगी।